वेरी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अली स्टाइल्स व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज की व्लॉगिंग मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 6 अक्टूबर, डे है वेंसडे, और आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे। आज है अम्मी का बर्थडे, और छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन का मैं सोच रही हूँ। मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के 4 बजे उठते ही मैंने अपना ब्रश किया, क्लीनिंग की, नहाया, पाठ किया, सभी कुछ अपनी ब्रेकफास्ट स्टडी करती है। मैंने ऑलरेडी कुछ मिनट बाद टाइम नहीं मिलता थे, तो आज मेरे बर्थडे है तो घर से भी सुबह सुबह फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किया जाती है अभी सोचने से पहले, ताकि मैं उसको रेडी करूँ और उसके बाद मैं अपना बाकी काम करूँ। सो अम्मी भी सो रही है, छोटी सी सेलिब्रेशन होगी। अम्मी किंडरगार्टन जाएगी, पीछे से थोड़ा बहुत डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं है मैं डेकोरेशन, पर जितना भी हो सकेगा तो थोड़ा बहुत डेकोरेट करूँगी उसके आने तक, और सरप्राइज दूँगी। क्योंकि उसको सरप्राइज बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी मैंने उसका थर्ड बर्थडे था, तभी मैंने ऐसे किया था। वो स्कूल किंडरगार्टन छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी थी, केक रेडी कर दिया था, और इस बार केक मैं कल ही लेके आ रही थी क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था जाने का, और मैं कल ही उसका केक लेके आ रही। केक अभी फ्रिज में है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। और वो किंडरगार्टन जाएगी, उसके बाद मुझे सब कुछ कर दूँगी मैनेज, डेकोरेशन वगैरह एंड ऑल। जब वो आएगी उसको सरप्राइज देंगे, देन फिर हम केक कटिंग करेंगे। बाकी अगर क्या होगा वो आप आगे आगे देखते जाइए। हो सकता है इस ब्लॉग के पार्ट्स आएँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मैं उसको पार्ट्स में डालूँगी 1, 2, 3 करके, तो ताकि आप लोग अच्छे से इंटरेस्ट से देखो, पूरी वीडियो फुल वॉच करना। और अम्मी अभी सो रही है, अभी मैं 6:30 अभी जस्ट मैं फ्री हूँ अपना सारा काम फिनिश करके, और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। सुबह सुबह जल्दी खत्म हो गया और बहुत स्पेशल सा लग रहा है, जैसे कोई फेस्टिवल है। मुझे हर बार ऐसा लगता है, तो मैं अभी का फर्स्ट बर्थडे था ना, अभी 6 मंथ की, तो मैं सब पहले से ही सोचते शुरू कर देते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और इस बार भी ऐसा ही है। सॉरी, लास्ट ईयर भी ऐसे चला थी, सुबह उठी थी 3:30-4 बजे करीब, एक्साइटमेंट से नींद नहीं आ रही थी, और इस वक्त मैं 4 बजे उठी थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी उठने से पहले बच्चे से रेडी कर दूँ। तो बहुत बातें होंगी हैं, और चलिए पहले अम्मी को उठा लेते हैं, थोड़ा जल्दी उसको उठा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी फ्री हो जाए, और मैं फिर मेरा छोटे में सारा डेकोरेट उसके अंदर तक कर दूँ, मुझे ये कि सबसे अच्छे से हो जाए। तो चलिए पहले अम्मी को उठा लेते हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी। गुगी आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी, अम्मी अम्मी अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी। एमू एमू, आज अम्मी का हैप्पी बर्थडे, आज केक भी काटना है अम्मी ने, है ना अम्मी? एमू अम्मी, वो तो मम्मा ने आपके लिए न्यू ड्रेस लाई है, व्हाइट वाली ड्रेस, आपने बोला था मम्मा व्हाइट ड्रेस लेना है। हैप्पी बर्थडे अम्मी। वाओ मामा का ब्यूटीफुल आई। हैप्पी बर्थडे अम्मी। और मेरा बच्चा बेटा नींद में उठो, आराम से आराम, स्लोली स्लोली उठो ना, स्लोली स्लोली, इतनी जल्दी नहीं, स्लोली स्लोली। हैप्पी बर्थडे अम्मी। थैंक यू मामा। और मेरा बच्चा, मम्मा ने आपके लिए सरप्राइजेस लाए हैं, प्रेजेंट लाए हैं बहुत सारे, और मम्मा ने आपके, मम्मा आपके लिए केक भी लेके आएगी। ओके, अभी नहीं, जब किंडरगार्टन से आओगे ना, मम्मा आपके लिए मार्केट जाएगी, आपके लिए केक लेके आएगी। ओके ओके, नहीं ऐसा नहीं करना, पेन होगी ना आपको यहाँ पे। ओके, आर यू एक्साइटेड अम्मी? Are you excited? हाँ जी। आउट हो गया मेरा बच्चा कल, मैं किंडरगार्टन में थोड़ी सी लग गई थी ना, अभी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी लगी थी मेरे बेबी को, वही बता रही है बस वो कि मुझे किंडरगार्टन में ऐसी लगी थी, ऐसे मेरा बेटा गिर गया था ना, कोई बात नहीं, स्ट्रांग गर्ल है ना अम्मी, स्ट्रांग मम्मा की स्ट्रांग गर्ल है ना। चलो फिर जल्दी से अभी हम रेडी हो जाएं, ब्रश टीथ कर लो जल्दी से। नो पॉइंट। या नो पॉइंट, ओके? नो फैन। नो फैन, या? नो फैन, हाउ टू स्वाव? हाउ टू स्वाव? चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ओके? या। ओके, हमारी रेडी, अम्मी ने ये ड्रेस डाली थी, मैंने अम्मी के लिए ऑनलाइन जो ऑर्डर की थी ना, दो की थी, तो केक काटेंगे उस टाइम के लिए, केक कटिंग के टाइम के लिए, और किंडरगार्टन के लिए, वो मुझे ना डिलीवर नहीं हुई अभी तक, मुझे लगता है। नो वेट, एक्चुअली मैं ना फ्रिज से कुछ निकाल रही थी, तो उसने बॉक्स देख लिया, इसको पता नहीं, इसको पता है आई थिंक
क्या है? I don't know. You don't know? तो इसको थोड़ा सा भी हो गया कि कुछ है इसमें, और वो जिसकी मैंने इसको बहुत मुश्किल से थोड़ा सा इसका मैंने माइंड डाइवर्ट किया नहीं, और अभी हम चल रहे हैं किंडरगार्टन अम्मी को छोड़ने, और ये पीछे आप देख रहे हो तो इसमें कुछ खाने पीने का सामान बच्चों के लिए, केक्स है, जूस है, फ्रूट है, उन्होंने बोला ये चीज लेके आना, तो चलिए किंडरगार्टन पहुंच के ही आपको मिलते हैं। ओके अम्मी, ओके चलो चलो बोलते क्या बोलते हैं, थैंक यू बोले मैम को, बोल दो तो अम्मी को किंडरगार्टन छोड़ के मैं जा रही हूँ घर पे, और इसकी डेकोरेशन करूँगी बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसका इतना है नहीं, बट जितनी भी मैं कर पाऊँगी उसकी खुशी के लिए ट्राई करूँगी। एंड जब मैं सुबह कुछ फ्रिज से निकाल रही थी तो अम्मी ने केक देख लिया, और शी वाज लाइक मम्मा व्हाट इज दिस, पता उसको था कि ये केक होगा, उसने पूरा नहीं देखा बस साइड से, क्योंकि मैं कुछ निकाल रही थी लॉबी में थी, और हमारी लॉबी से हमारी किचन में फ्रिज जो है वो दिखता है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई, वो रोने भी लगी मुझे अभी देखने, बट मैंने कहा वो एक्साइटमेंट अगर अभी इसको दिखा दी तो मैं नहीं देख पाऊंगी, जब ये किंडरगार्टन से आएगी वो सब सरप्राइज होगा इसके लिए, इस वजह से मैंने बहुत मुश्किल से उसको मनाया समझाया, तो अभी इसको इतना पता है कि केक है बट उसने देखा नहीं है ना कि कैसा है, पेपर पिक बना पेपर पिक वाला केक है उसका, तो इस वजह से। तो चलिए घर चल के फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए इतने सारे बैलून्स मैंने सारे हाथ से नहीं मुंह से फुलाए हैं, सॉरी एक्चुअली मेरा पंप था ना वो ख़राब हो गया, एम एस खेलती थी तो पता नहीं खेलने में उसने पता नहीं क्या कर दिया, कभी उसे हवा नहीं भरी जा रही है, देखो सारे मैंने मुंह से फुलाए, और मुझे इसमें डेढ़ घंटा लगा, सीरियसली मैं 9 बजे लगी थी और अभी टाइम हुआ 10:30। ये देखिए अभी ऊपर लगाऊंगी वॉल पे, नीचे नहीं लगा रही एक्चुअली, पिछले साल मैंने नीचे भी लगाया थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, अब ये मैंने ये लगा दिया ना फोटोग्राफ्स हमारी फैमिली, तो मैं ये उतारना नहीं चाहती क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कोई भी करती तो पीछे हमारी फैमिली फोटोग्राफ्स दिखती हैं तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करती हूँ इनके साथ, सो लेट्स ट्राई कैसे जाता है। सो कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन की है, एक्चुअली हैप्पी बर्थडे वाला ही मुझे ना दिमाग से ही निकल गया कि लगाना, तो भी मैंने फ़ोटोज़ के ऊपर ऐसे लगा दिए, देखिए कलरफुल अच्छे लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं किया बट जितना मैं कर पाई, तो कुछ बैलून बहुत ज़्यादा है तो ये मैंने ये नीचे रख दिए ना, अच्छे लग रहे हैं ऐसे भी, तो अपनी तरफ से मैंने जितना कर पाई, सीरियसली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बैठने का, सिर्फ घर से फोन तब मैंने 10 मिनट बैठ के बात की मैंने, तो वीडियो कॉल की वजह से, अदरवाइज मैं बिल्कुल बैठ के मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इतनी सी डेकोरेशन कर पाई हूँ, तो बताना आप लोग कैसी है। सो मैं दिखाती हूँ आपको अभी अमित का बर्थडे केक, ये है मेरी एंजल का बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे अमित, ओपन करके आपको बाद में ही दिखाऊंगी, अभी ऐसे छोड़ रही हूँ उसको, और ये देखिए हैप्पी बर्थडे अमित लिखा, और पेपर पिक अमित का फेवरेट वाला कार्टून है, इसलिए मैंने पेपर पिक की फ़ोटो बनवाई है, लास्ट टाइम मैंने बनवाई थी कोको मेलन की, मैं ट्राई करूँगी वो भी क्लिप डालने की, लास्ट ईयर की जो मैंने उसको सरप्राइज़ दिया इसकी वीडियो, वो भी कोशिश करूँगी डालने की, आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ, तो केक कटिंग वगैरह की। सो बस इस तरह से मैंने कुछ डेकोरेट किया है, अभी मैं जा रही हूँ अम्मी को लेने, तो सीधा किंडरगार्टन में ही आपसे मिलती हूँ। तो बस पहुँचने वाली हूँ किंडरगार्टन, मुझे ये टेंशन लगी पीछे से बैलून लगा के आई वो फट ना जाए या निकल ना जाए, एक्चुअली जो मैंने डबल साइडेड टेप लाई थी पता नहीं क्यों वो वर्क नहीं कर रही थी, लगा रही थी बैलून निकलते जा रहे थे, जो मोटी वाली ब्राउन टेप होती है ना मैंने वो ट्राई उससे ट्राई किया और उससे मैंने बैलून्स लगाए हैं ना, तो होपफुली कि वो निकले ना, सो चलिए चल के देखते हैं किंडरगार्टन में अम्मी क्या कर रही है। हेलो कर दिया काम बेटा, वेट तो कर लेना था, छोड़ दिया, वाह क्या ब्रोकन कर दिया आपने, ये ब्रोकन कर दिया ना आपने,
puzzle. Wow, it's for Emmy. Yeah, it's for snake. This is snake. आपने enjoy किया? Yeah. पाती की आपने? Yeah, mama. पाती की? Yeah. Enjoy किया? I broke my puzzle and it's a plant. Wow. Then my god. Oh, what's this? Snake. Wow. किसने दिया आपको? मैम ने दिया? मैम ने दिया आपको ये? मम्मा। मैम को थैंक यू बोला आपने? अच्छा, बबल्स भी हैं। ओके, दिस इज फॉर यू, फॉर यू। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हमें तो सारा पता है। दिस इज फॉर एमी और दिस इज फॉर मम्मा। चलेंगे हमें? लेट्स गो। चलो। मैम को थैंक यू बोला? थैंक यू बोला अपने मैम को? थैंक यू। ब्रोकन नहीं करना इसको। ओके, चलो चलो प्ले कर लो। ओके, चलो। शाशा, मेरे को नाम भी बता। सारे ले लो। नो नो एंड थाइला। क्या नाम इसका? थाइला। मेरे को सारे नाम भी बताओ। गॉड, मैं बड़ी हैरान हूँ इस चीज से। अभी सारे नाम भी बताओ। या दिस इज बेन। डाल दो बेन। एंड नेक्स्ट वन यू। दिस इज मैरी। वेरी गुड, वाओ। एंड दिस इज विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया। गॉड, है मेरे को पता है। आई भगवान। या कुटिनिया कर दो। थैंक यू। चलो नेक्स्ट। एंड दिस इज निको। ओह गॉड, या। एंड दिस इज आगे। ओके, एंड वन। एंड दिस इज आई मीन दिस इज होमी। रोमी। एंड दिस इज दिस इज एमिली। ओके, वेयर इज आया? आया लुक, here is Aya. Aya. Okay. So this is, who is she? This is Gulbias. Gulbias.